तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक मूविंग चार्ज हेलिकल पाथ पर मूव करने लगता है। उसकी दो वजह होती है, एक जो वेलोसिटी हम स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल पे लेते हैं, उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा उसको स्ट्रेट में लेके जाएगा, वी साइन थीटा उसको सर्कुलर लेके जाएगा, जिसकी वजह से उस बात हेलिकल हो जाएगा। इस पर आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें एक वी वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर ये ट्रेवल कर रहा, जहां पर आपको वी की वैल्यू गिवन है 2×10³ मीटर पर सेकेंड, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी पता है वह है 1 टेस्ला। ठीक है, आपको पता करना है कि ये जो हेलिकल पाथ करेगा इसमें इसका रेडियस कितना होगा, देन उसका टाइम पीरियड कितना होगा, साथ ही साथ उसका पिच कैलकुलेट करिए और ट्रेजेक्टरी भी बताइए, ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो पहली बात तो ट्रेजेक्टरी आप समझ सकते हैं, जब ये किसी एंगल पर होगा तो कंपोनेंट बनेगा वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, और जब कंपोनेंट बन जाए तो इसका मतलब वो हेलिकल पाथ होगा, तो ट्रेजेक्टरी क्या होगा, हेलिकल। ये पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको कैलकुलेट करना है यहां पर उसका रेडियस और टाइम पीरियड। रेडियस का फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है एम वी, जो ऊपर हो जाता है वो होता है वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। वैल्यू यहां पर रखेंगे, अब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1×10⁻³¹ इंटू वेलोसिटी, यहां पर गिवन है 2×10³ साइन थीटा, तो साइन 30 अपॉन क्यू। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ एंड बी 1 टेस्ला। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे आपको रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड आते हैं, यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका चेंज तो होता नहीं है, तो वो सिंपल होता है 2πm/qb। वैल्यू रखते हैं 2×3.14×m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³¹ अपॉन चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ बी की वैल्यू 1। यहां से आप टी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर जब आपको पिच कैलकुलेट करना हो, पिच कैलकुलेट करना हो तो आपको पूरा फॉर्मूला मत लगाइए, जब ऐसे क्वेश्चन में जहां पर टी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। क्यों, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जब हेलिकल पाथ होता है तो आप यही तो कहते हैं कि दो सर्कुलर पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिच है पी, और अगर पिच की बात की जाए तो क्या होगा, पिच होगा उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम पीरियड, वही तो होगा। तो ये होगा वी कॉस थीटा इनटू टी, टी तो आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, और वी की वैल्यू कितना है 2×10³ cos 30, और टी की वैल्यू जो आएगा वहां पुट कर दीजिए, वहां से आपको पिच भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप टी का फॉर्मूला यहां रखिए, अगर हम न्यूमेरिकल में आपने टी कैलकुलेट कर लिया है तो उसको वैल्यू यहां रख दीजिए। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए आप लोग। अब इसमें एक केस ही बनता है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ये 30 डिग्री न दिया करके, बल्कि उसने वर्टिकल से 30 डिग्री दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल से 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहां थीटा इज इक्वल टू 30 मत रखिएगा, फिर आप क्या करिएगा, आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, इसका मतलब वो 60 होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने चाहता है कि वो 30 ही रखे, तो आपको साइन थीटा ना रखकर क्या लेना चाहिए, कॉस थीटा लेना चाहिए, फिर क्योंकि कंपोनेंट ऊपर कॉस थीटा होगा। सबसे बेटर ये है कि आप सीधे इस एंगल को याद कीजिए कि मुझे हॉरिजॉन्टल वाला एंगल चाहिए, और अगर ये एंगल दिया हो तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 30 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, और इसमें आपने किसी चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में मूव करा दिया, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा,
उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितना होगा एफ ई अगर मैं कहूं तो वो होगा क्यू इंटू ई, यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, पॉजिटिव हो तो, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अपोजिट में वर्क करता। और अगर मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल यहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये इनवर्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, और ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल V, तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब V वेलोसिटी से मूव करेगा उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। अगर मैं कहता कि ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता, नहीं करता, दिमाग में बिठाओ इस बात को। अगर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है और एरिया मैग्नेटिक फील्ड का है तो उस पर कभी भी कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है इस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। लेकिन मान लो यहीं पर ये चार्ज पार्टिकल होता और ये स्टेशनरी होता तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता, करता। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कंडीशन में वर्क करता है, स्टेशनरी चार्ज पर भी और मूविंग चार्ज पर। क्लियर, इलेक्ट्रिक फोर्स कब कब लगता है, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड कब लगता है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पर। ये इसको लिखाने की जरूरत है, दिमाग में नहीं बैठा सकते, चलो लिखा देंगे, पहले भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, स्टार्ट में लिखा हुआ है, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने लिखाया हुआ है। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, अगर डायरेक्शन पता करना हो तो क्या तरीका है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बी के डायरेक्शन में अंदर, वी ये रहा, एफ किधर लगेगा अपवर्ड, ठीक है। तो लॉरेंज ने कहा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या करें, हम मूव कराएं, दोनों एक साथ लगाएं और मूव कराएं, तो उस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा भाई, वो होगा क्यू वी बी, यानी वी क्रॉस बी, यही होगा। इन्होंने कहा कि जो नेट फोर्स है एफ एन वो होगा एफ ई प्लस एफ एम, यानी कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये होगा एफ नेट फोर्स। इस एफ नेट फोर्स को एक कहते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हर कंडीशन में बदलेगी, कभी हम चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट इधर मूव कराएंगे, कभी वर्टिकल मूव कराएंगे, कभी स्टेशनरी रखेंगे, तो अलग अलग इसका फॉर्मूला आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लॉरेंज फोर्स में हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला केस लेते हैं कि व्हेन ई इज पैरेलल टू बी एंड चार्ज इज स्टेशनरी। देखो इसका पाथ कैलकुलेट करना सीखो, कैसे पाथ होगा उसको सीखना पड़ता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये रहा, दोनों पैरेलल हो गए, और कहा गया कि इसी के बीच में चार्ज रखा हुआ है लेकिन वो स्टेशनरी है। मान लीजिए ये रहा क्यू चार्ज और स्टेशनरी है, तो क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, नहीं करेगा। अभी तो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं ई एफ ई, वो कितना होगा, वो होगा क्यू इंटू ई, और मैं अगर बात करूं एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, वो तो जीरो है। अब इसके वजह से क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी होगा। अच्छा, एक्सेलेरेशन वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की, ये रहा एक्स ये रहा वाई, तो ऑब्वियसली वो उसको इधर ही मूव करेगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो रहेगा एफ ई, इधर लगेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा इसको। तो यानी यहां पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा एफ बाई एम, यानी कि यहां पर लिख दो एफ ई अपॉन मास एक्सेलेरेशन होगा, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू ई अपॉन एम, ये एक्सेलेरेशन हुआ। अगर आप वेलोसिटी की बात करें इसमें,
फॉर्मूला लगाएं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन में है तो वी एक्स वी एक्स ए एक्स। अब वी एक्स अगर कैलकुलेट करना हो तो बताओ इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, क्योंकि हमने क्या लिया था उसको स्टेशनरी, तो यहां पर वी यू एक्स जीरो हो गया और ए एक्स क्या है क्यू ई अपॉन एम इन टू टी। यानी यहां से देखिए एक रिलेशन आया हमारा कि वी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर कभी आपको पाथ इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मतलब वो वाई और एक्स में देगा और टी के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये रहा, मान लीजिए ये रहा टी और ये रहा वी एक्स डायरेक्शन में, तो कैसा होगा, जीरो से स्टार्ट करिएगा, ये रहा स्ट्रेट लाइन, बस यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, दिमाग में बिठाओ अपने इस बात को, तब एमसीक्यू सॉल्व होगा, है ना, ट्रेजेक्टरी फाइंड करना सीखो। अब इससे देखो ट्रेजेक्टरी तुम्हें मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अब तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया ना, अब तो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, फिर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ। देखिए यहां पर बात करते हैं, चलिए मैं यहां पर उस बात को लिख देता हूं, है ना, क्या होगा, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम, सही बात है, कुछ देर बाद स्टार्ट करना हो गया। अच्छा लेकिन इसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ v एंगल बिटवीन v एंड b कितना होगा, चार इधर मूव कर रहा है b उधर ही मूव कर रहा है, तो एंगल कितना होगा, जीरो। और जब एंगल जीरो होता है, एंगल जब जीरो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा जीरो, तो एफ एम क्या हुआ, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है। फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, तो अभी भी क्या होगा, एफ एम जीरो है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का अभी भी कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं अब ट्रेजेक्टरी लिखूं, ट्रेजेक्टरी तो क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। अब आप ट्रेजेक्टरी फाइंड करना सीख गए, चेक करो को फोर्सेस कैसे बन रहे हैं, या तो सर्कुलर होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों कॉम्बिनेशन बनता है तो हेलिकल बनाओ, दोनों कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या करो, हेलिकल बनाओ, ठीक है, हाँ वहां हेलिकल बनेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा केस लेते हैं। चलिए तो सेकेंड केस लेते हैं, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बी एंड चार्ज इज मूविंग विथ वी नॉट इन स्ट्रेट लाइन। हाँ यहां पर ये हो गया केस सेकेंड, तो क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बहुत सारी लाइन मत बनाओ, एक एक बना लो समझ में आ जाएगा अपने आप। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये रहा हमारा चार्ज जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से आगे बढ़ रहा है, ये केस गिवन है, स्टेशनरी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से। अब देखो दोनों फोर्स देखते हैं, दोनों फोर्स के बारे में एक डिस्कस करना। सबसे पहले चले आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई इलेक्ट्रिक फोर्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे क्यू ई होगा, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूव कर रहा हो। अब अगर जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचेंगे तो पहले चेक करेंगे कि स्टेशनरी है या मूविंग है, स्टेशनरी है तो लगेगा ही नहीं, और अगर मूविंग है तो अब एंगल पे आइएगा, अब एंगल पे जब आएंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो हो गया फिर से। अब इसका मतलब सिर्फ स्टेट में ले जाएगा आपको दिख रहा है, लेकिन एक चीज उसमें और होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा भाई, क्यू ई अपॉन एम, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या होगा,
यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या कुछ गिवन है, वी नॉट गिवन है, वेरी गुड, प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये है वी एक्स। अब देखो क्या वी एक्स सिर्फ टी पर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, वी नॉट से भी है। तो अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करूंगा, ये रहा टी और ये रहा वी एक्स, तो अब ये जीरो से तो नहीं स्टार्ट करोगे तुम, या ऊपर से कहीं से स्टार्ट करो, ऐसे ड्रॉ कर दो, समझ में आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी ये वी नॉट हो गया, यहां से स्टार्ट किया और टी के साथ वो वेरी कर रहा है, इनिशियल हो गया। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा हमने क्या देखना है, ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो एक ही डायरेक्शन में वो जा ही रहा है, यही फोर्स ही लग रहा है यहां पर, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो पिछले केस से इस केस में एक डिफरेंस आया, ट्रेजेक्टरी में नहीं बल्कि वी और टी के ग्राफ में, ठीक है, नोट कीजिए क्यों, ठीक है। चलिए तो हमारे पास केस थर्ड है, अब केस थर्ड, केस थर्ड में E2 पैरेलल B लेते हैं और V0 स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, लेकिन एक केस के साथ कि हम V0 इज परपेंडिकुलर टू E, ऑल्सो V0 इज परपेंडिकुलर टू B, यानी कि केस होगा E का डायरेक्शन और ये रहा हमारा B का डायरेक्शन, और यहां से चार्ज पार्टिकल को अब इस एक्सिस में इसको मूव करा रहे हैं, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल से सबसे पहले बात कीजिए, एफ इज इक्वल टू एफ ई जो होगा वो क्यू ई तो होगा ही होगा। अब सिर्फ इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा ए एक्सीलेशन, ए एक्स में क्या होगा, क्योंकि देखो ये जो फोर्स लगेगा ना ये हमेशा एक्स में लगेगा, क्योंकि ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है या उसके अपोजिट में होता है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसी जाएगा, चार्ज नेगेटिव है तो उसका अपोजिट होगा, बस। तो यहां पर ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, वी एक्स की बात करें तो वो होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब यहां पर एक बात समझो, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो है, ये जो वी नॉट है ये किधर है, वाई डायरेक्शन में, यहां पर जीरो होगा, प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये होगा Vx, Vx हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि Vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सीधे सीधे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो गया T, ये होगा Vx और यहां इनिशियल जीरो से स्टार्ट होकर के ये जाएगा, ठीक है, V और T का ग्राफ। अगर V नॉट होता इनिशियल तो यहां से स्टार्ट कर लेते, अब जीरो से स्टार्ट होगा। ये तो हमने एक एनालिसिस कर लिया इलेक्ट्रिक फोर्स का, आइए मैग्नेटिक फोर्स भी देखते हैं जरा कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से वर्क कर रहा होगा। अब यहां पर सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या चार्ज स्टेशनरी है, नहीं, मूविंग है तो लगेगा। अब ये देखते हैं डायरेक्शन, तो जब हमें ये देखना है तो एफ एम होगा क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो ये रहा वी और B रहा ये, तो इसका मतलब 90 होगा, तो क्यू वी बी साइन 90, तो FM की वैल्यू आ गई क्यू वी बी, ये तो हो गया FM की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब FM लगेगा इस तरफ, डायरेक्शन पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो B का डायरेक्शन ये रहा मेरा B का डायरेक्शन ये रहा, और V रहा ऊपर, ऊपर कर दिया, तो ये रहा V ऊपर और B इधर, तो F किधर गया, अंदर, अंदर, अंदर का मतलब इधर, अब ये रोटेट करेगा इस तरीके से, बताया था मैंने, है ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज में ये सर्कुलर मोशन होगा। तो यहां क्या होगा, अब सर्कुलर मोशन होने लगा, किसकी वजह से, V नॉट की वजह से, ठीक है। तो ये जो मैं यहां पर अगर ये बात की जाए तो ये होगा इनवर्ड। अच्छा एक चीज और, ये जो होगा ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, तभी तो ये इसको अंदर की तरफ रोटेट करता है, सर्कुलर डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल होता है ना, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल होगा।
तो यहां से इसकी वजह से सर्कुलर हो गया और ये किधर लेके जा रहा आगे, ये लेके जा रहा है आगे और मैग्नेटिक ले जा रहा है सर्कुलर में, तो पाथ कैसा हुआ हेलिकल। तो यहां पर पाथ की बात की जाए या ट्रेजेक्ट्री आप कह दीजिएगा वो होगा हेलिकल, और हेलिकल अगर आप बनाएंगे तो वो ऐसे रहता है। अभी एक चीज और सीखना बाकी है, एक बात बताओ वो जो मूव कर रहा है सर्कुलर वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, विनोड से वो ऐसे मूव करेगा, विनोड तो कांस्टेंट बना हुआ है, और ये जो लीनियर वेलोसिटी है स्ट्रेट वाली क्या वो बढ़ भी रही है, बढ़ रही है भाई, वी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। कहाँ ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो लीनियर वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था ये तो स्टेट में लग रहा था ऐसे, उसकी वजह से ये वेलोसिटी हो गई Vx में, और ये Vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो टाइम क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही। अब समझिएगा पिच क्या होता है, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस होती है, ये होता है पिच, और पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पिच इज वी इंटू टी, वी इंटू टी, ठीक है अब समझना, ठीक है। अब अगर यहां पर टाइम जो है वो ये वेलोसिटी अगर बढ़ गया, ये वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो पिच भी तो बढ़ जाएगा, मतलब एक रिंग के बाद जो दूसरा रिंग बना, दूसरे रिंग के बाद जो तीसरा रिंग बना वो क्या करेगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो सही मायने में जो हेलिकल पिच है ये आएगा ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बढ़ता जाएगा, थोड़ा मैंने डिस्टेंस पे दिखाया ताकि आपको समझ में आए, यानी पिच क्या होगा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ये वाला ये एग्जैक्ट होगा। तो हेलिकल पाथ होगा लेकिन पिच क्या होगा भाई, इंक्रीज करता है, क्यों वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। नोट कीजिए इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टार बना के पिच ऑफ हेलिकल पाथ विल कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज बिकॉज वी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये होगा। अब एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक बना देगा सिर्फ हेलिकल पाथ, एक बना देगा इंक्रीजिंग पिच वाला, तो आपको ये वाला टिक करना है। चलिए फिर इसका लास्ट केस हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि वी जो स्टेशनरी चार्ज पर, फिर मूविंग चार्ज पर, और फिर मूविंग चार्ज क्या लिया हमने, परपेंडिकुलर लिया। चौथा केस हम लोग लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ केस कर देते हैं, और इस केस में क्या करते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लेता हूँ, मैं उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। वीडियो थोड़ा ब्लर है, अभी आ जाएगा सही, अब सही है आ गया, ठीक है चलो। तो यहाँ पर देखो ये जो रिकॉर्डिंग है वो ऑनलाइन लाइव क्लास की भी है, रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी है, तो जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। हाँ तो मैं कह रहा था कि अब हमें जो चार्ज पार्टिकल लेना है क्यू, वो मैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्स में भी नहीं लूँगा और वर्टिकल वाई में भी नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा कि इसे किसी एंगल वी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर ले लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा वी कॉस थीटा जो कि नॉर्थ, और इधर हो जाएगा वी नॉर्थ साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा समझिएगा इसको, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया करो, बहुत आसान होता है उसमें कुछ देखना नहीं है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, बस आपको थीटा उटा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी डायरेक्शन में जा रहा हो ये तो ये हाथी है अपनी फील्ड में लगाता है, ठीक है। ए एक्स क्यू ई अपॉन एम वेलोसिटी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो यहां से यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास वो होगा वी नॉट प्लस यहां पर होगा क्यू ई अपॉन एम टी, ये वी एक्स, ये तो आ गया इक्वेशन हमारा, लेकिन यहां से जो वी एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो है, लेकिन साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी है,
मतलब अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हुआ इसका, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ये एक चेंज होता है वी एक्स और टी में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है वी आर। ये कितना होता है भाई, ये होता है वी नॉट। अब बात करते हैं जरा मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स दो वजह से यहाँ बन सकता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन की वजह से, दोनों अलग अलग लेके चलेंगे ना। तो जब इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, जीरो है ना भाई। ये वेलोसिटी अगर तुम वी वन कह दो तो वी वन और बी के बीच का एंगल कितना है, जीरो, जीरो। और साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इसकी वजह से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, लगेगा इसकी वजह से। और वो कितना होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा। आ जाते हैं यहां पर फोर्स, वेलोसिटी कितना हो गया है वी नॉट साइन थीटा इंटू बी इंटू, अब देखो वी नॉट साइन थीटा जो ऊपर जा रहा है, अगर तुम इसको वी टू कह दो, वी टू कह दो, तो इस वी टू और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 भाई, सीधे सीधे मैं पूछ रहा हूं वी टू, वी टू ये रहा वी टू ये रहा बी, एंगल कितना है वी नॉट साइन थीटा, ये तो वी टू है ना, तो यहां तुम वी टू लिख दो चाहो तो यहां पर क्या होगा साइन 90, यानी एफ एम जो आएगा वो होगा क्यू वी नॉट बी साइन थीटा, या इसको ऐसे कर लो सर। जी सर, हाँ ठीक हो, क्लियर। अच्छा अब बताओ ये जो फोर्स है ये क्या होगा, कैसे डायरेक्शन क्या होगा, बी का डायरेक्शन ये रहा और वी कैसे है ऊपर ये वाला, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये मत चले जाना वेलोसिटी, क्योंकि इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर चुके पहले ही। तो ये रहा वेलोसिटी, ये रहा बी, एफ कैसे लगा अंदर इनवर्ड, तो ये कैसे लगेगा भाई इनवर्ड। अब जब ये इनवर्ड लगता है तो यही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल हो जाता है ना। मतलब क्या करेगा ये वेलोसिटी सर्कुलर मोशन लेके चलेगा इसको, एंटीक्लॉकवाइज सर्कुलर, तो इसकी वजह से क्या बन गया सर्कुलर। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ये कहां लेके जा रहा है, जा ही नहीं रहा भाई, इसकी वजह से क्या फोर्स लग रहा है नहीं। तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उससे तो चलता रहेगा बस, अब इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इस कंपोनेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, थीटा की वैल्यू जीरो जा रही है, ये वेलोसिटी और ये बी दोनों पैरेलल हो गए, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, देखिए मैंने 90 रखा है, और ये जो वेलोसिटी है इसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन बनेगा, ये रहा सर्कुलर मोशन और ये लीनियर मोशन तो है ही, एक और लीनियर मोशन ये जनाब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये क्या करेगा इसको आगे लेके जाएगा। अभी पिछले केस में कहा था जब वी टी के साथ प्रोपोर्शनल हो तो वी बढ़ता रहेगा टी के साथ ना, तो जो हेलिकल पाथ होगा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूसली उसका पिच इंक्रीज करता रहेगा। जो पिच अगर आप पी वन है और यहां पर अगर आप पी टू है और यहां पर अगर आप पी थ्री है, तो क्या करेंगे भाई, पी वन से ग्रेटर होगा पी टू से ग्रेटर होगा पी थ्री, डॉट डॉट करके ऐसे चलता रहेगा। तो जो बात पिछले क्वेश्चन में कही गई थी वही केस आ गया एकदम सेम। एक केस और हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो हो जाए तो सर्कुलर पाथ होगा या हेलिकल पाथ होगा और या क्या पिच बदलता होगा। पिछले केस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर ये वेलोसिटी, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो आपको समझ में आ रहा था कि सर ये वेलोसिटी तो जीरो हो गई तो ये आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि सर्कुलर वही रोटेट करता रहेगा। इस केस में आ जाइए, इसकी वजह से आगे बढ़ रहा था, इसकी वजह से भी तो आगे बढ़ रहा है भाई, और ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट बनी रहेगी, तो रहेगा हेलिकल पाथ लेकिन पिच इंक्रीज नहीं करेगा। कब, व्हेन व्हेन इज इक्वल टू जीरो का मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री, इस तरीके से होगा।
तो हेलिकल पाथ तो होगा लेकिन पिच इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि वी टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये जीरो हो चुका रहेगा। क्लियर? तो इस क्लास में हम लोगों ने यहां समझा, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा आप लोग और नोट कीजिएगा।